बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू वाले राइस। और ये बड़ी सिंपल सी सादी सी डिश है और झटपट बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो मैंने 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है और उसमें मैंने 2 प्याज डाल दिए। 2 प्याज कटिंग करके मीडियम साइज़ की मैंने इसमें डाल दी। इसको फ्राई करूँगी मैं। प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। इसमें मैं ये गरम मसाला डाल दूंगी। 2-3 ये दालचीनी के टुकड़े हैं और 5-6 इसमें काली मिर्चें हैं, 2 लौंग हैं, 1 तेज़पात है और 1 टीस्पून जीरा है। ये इसमें हम डाल देंगे और 1 मिनट के लिए बस इस तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ टमाटर लिए हैं और 4 से 6 मैंने हरी मिर्चें लिए और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है नमक का। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। मैं इसमें आलू भी शामिल कर दूंगी। 2 मैंने मीडियम साइज़ आलू लिए और इसको मैंने 1 के 4 टुकड़े कर लिए इस तरीके से। इसको भी थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे हम। 1 टी स्पून इसमें मैं लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दूंगी और ये 1/2 टी स्पून मैंने हल्दी शामिल की है और 1 टी स्पून मैं इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल कर दूँगी और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ज़रा सा पानी का छींटा दूँगी इसमें। पानी का छींटा दिए मैंने इसमें। और अगर आपको भी रात में कहीं डिनर पे जाना है तो आप दिन में थोड़ा सा लाइट खाएं, क्योंकि डिनर पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ डिशेज होती हैं। और तो फिर यही होता है कि आप जो है थोड़ा सा दिन में लाइट खा लें तो ये हल्की फुल्की डिशें हमारी तैयार हो जाएगी इजीली। तो इसको बस 2 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी ताकि इसमें आलू जो है वो टेंडर हो जाए। मसाला भुन चुका है और आलू भी इसमें तकरीबन टेंडर हो चुके हैं। 3 गिलास में इसमें शामिल कर दूँगी पानी, क्योंकि मैंने राइस लिए हैं 2 गिलास यानी आधा किलो 500 ग्राम्स। तो मेरे पास जो राइस है मेरे मुताबिक इसमें 3 गिलास पानी जाएगा, उबाल आएगा। मैं इसे कवर कर दूंगी और उबाल आएगा, उसमें राइस शामिल कर दूंगी। पानी में उबाल आ गया था, मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए और मैं इसको अब कवर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए और फिर चेक करेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। गरम गरम राइस हमारे तैयार हो गए आलू वाले। डिश आउट करते हैं। ये देखें आप, आलू वाले चावल हमने डिश आउट कर लिए हैं। साथ में हमने रख लिए हैं बॉइल्ड एग्स, तो बॉइल्ड एग के साथ आप खाएं। एग्स में वैसे ही प्रोटीन होता है, आलू में भी प्रोटीन होता है, तो ये आपकी बहुत अच्छी डिश तैयार हो गई है। यहाँ मैंने दही और अचार भी रख लिया है। तो हमारे ये मसाले वाले राइस हैं तो हम इसे दही के साथ खाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा स्पाइस कम खाना चाहते हैं तो जो चीज़ें मैंने क्वांटिटी डाली है आप उसका हाफ कर लें। तो ये हमारी अच्छी सी सादी सी डिश तैयार हो गई है। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें, कम वक्त में ये अच्छी सी रेसिपी बनाएं और खाएं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।